subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, Thales Theorem पर based एक और example हम करते हैं. Example है C. In figure, आप figure में देख सकते हैं कि D is parallel to AC. ये जो D है, ये D है parallel किसके? AC के. साथ ही हमसे ये कहा गया है कि जो DF है वो parallel है AE के. यानी ये जो DF side है, ये AE के parallel है. Prove that, आपको क्या prove करना है? BF upon FE is equal to BE upon EC. यानी आपको जो prove करना है, वो prove करना है BF upon FE. This is FE is equal to BE upon EC. ये आपको prove करना है this. किस तरह से prove करेंगे? C. First of all, आप in triangle ABC में D is parallel to AC, D क्या AC के parallel है? तो I can write BD upon DA, यानी कि this. BD ये वाली जो साइड है BD upon DA ये मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल BE upon EC के. इसे फर्स्ट कर लीजिए क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड अनदर साइड इनटू सेम रेशियो, ये हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था. अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं दिस. नाउ स्टूडेंट यू कैन सी दिस ट्रायंगल BE में, ट्रेंगल बी ए में सिमिलरली DF क्या है? पैरेलल है AE के. DF क्या है यहाँ पे? पैरेलल है AE के. यू देख ठीक है. नाउ अब आप BD अपॉन DA क्या ले सकते हैं? BE अपॉन EC. तो BD अपॉन DA को BE अपॉन ये FE, DF अपॉन FE ये आप ले सकते हैं, DF अपॉन FE. नाउ स्टूडेंट अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 में अगर आप देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे BD और DA है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE. और यही आपको जो है प्रूफ करना. तो इस तरह से स्टूडेंट आपने प्रूफ किया ये. अब थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल करते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, सी द फर्स्ट एक्सरसाइज.